50 के एमसीक्यू टेस्ट के बारे में, और इस टेस्ट के माध्यम से आपको इसके बारे में कितना नॉलेज है वो भी आप यहां पर टेस्ट कर सकते हो। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि गैस कटिंग के ब्लो पाइप से या फिर गैस सप्लाई से वहां पर जो है बैकफायर नहीं होना चाहिए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं गैस कटिंग में वो क्या है। तो उसके लिए ऑप्शन ए दिया गया है बैकफायर अरेस्टर, ऑप्शन बी दिया गया है फ्लैशबैक अरेस्टर, ऑप्शन सी दिया गया है फायर अरेस्टर, और ऑप्शन डी दिया गया है ये सभी। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फ्लैशबैक अरेस्टर। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि गैस सिलेंडर जो है वो हमेशा हमने स्टोर करना चाहिए वो इस पोजीशन में। तो उसके लिए ऑप्शन ए दिया गया है अपराइट पोजीशन में, ऑप्शन बी दिया गया है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, ऑप्शन सी दिया गया है ये दोनों पोजीशन में, और ऑप्शन डी दिया गया है कि इसमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अपराइट पोजीशन। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि मशीन का जो आरपीएम है वो इक्वल या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स व्हील के आरपीएम से होना चाहिए। अब ये जो है ये फिलिंग द ब्लैंक्स जो है आपको यहाँ पर भरना है। तो उसके लिए ऑप्शन ए दिया गया है कि ये जो है ये ग्रेटर देन होना चाहिए व्हील के आरपीएम से, कि ऑप्शन बी है कि ये लेस देन होना चाहिए व्हील के आरपीएम से, और ऑप्शन सी दिया गया है कि उसकी जो स्पीड है वो वहां पर डबल होनी चाहिए, और ऑप्शन डी दिया गया है कि इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कि ये लेस देन होना चाहिए व्हील के आरपीएम से। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि गैस सिलेंडर को यूज करने से पहले उसको जो है हमें इंस्पेक्टेड करना है या फिर चेक करना है, तो उसमें जो है हमें ये चेक करना है। तो उसके लिए ऑप्शन ए दिया गया है, तो उसमें हमें देखना है कि यहाँ पर कैप की अवेलेबिलिटी है क्या, और जो की है वो सिलेंडर के ऊपर है क्या। ऑप्शन बी है कि यहाँ पर होजेस में कोई भी लीकेज है क्या, उसको हमें चेक करना है वो भी सोप सोल्यूशन का इस्तेमाल करके। ऑप्शन सी दिया गया है कि वहां पर फ्लैशबैक अरेस्टर की अवेलेबिलिटी है क्या, उसको भी हमें इंस्पेक्ट करना है, और ऑप्शन डी दिया गया है ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी जो है हमें इंस्पेक्ट करना होता है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि ग्राइंडिंग व्हील को इंस्पेक्ट करने के लिए हम एक मैनुअल टेस्टिंग करते हैं, तो उस मेथड का क्या नाम है। तो उसके लिए ऑप्शन ए दिया गया है हीट टेस्ट, ऑप्शन बी दिया गया है कोल्ड टेस्ट, ऑप्शन सी दिया गया है रिंग टेस्ट, और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसको आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रिंग टेस्ट। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि पावर टूल्स में ये होगा, तो उसके लिए ऑप्शन ए है डबल इंसुलेटेड हैंडल होगा, ऑप्शन बी है कि डेडमैन स्विच होगी, ऑप्शन सी है कि डबल इंसुलेटेड जो केबल है वो होगा, और ऑप्शन डी है ये सभी होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कि ये सभी होगा या फिर ये होना चाहिए। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि सिलेंडर को हमें स्टोर करना होगा, तो उसके लिए ऑप्शन ए है कि वो कूल स्पेस और वेंटिलेटेड जो सरफेस है वहां पर हमें उसको स्टोर करना है, ऑप्शन बी है कि जो भी फ्लेमेबल मटेरियल है उससे हमें दूर जो है उसको स्टोर करना है, ऑप्शन सी है कि हॉट वाटर से हमें जो है उसको दूर रखना है, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि वेल्डिंग मशीन का जो रिटर्न पाथ है उसको हमें कनेक्ट करना होगा, तो उसके लिए ऑप्शन ए है कि जॉब का जो नियरेस्ट पॉसिबल जो लोकेशन है वहां पर हमें उसको कनेक्ट करना है, ऑप्शन बी है कि नियर बाय में कोई भी जो मेटल है उसके साथ उसको कनेक्ट करना है, ऑप्शन सी है कि किसी भी लोकेशन में उसको कनेक्ट करना है, और ऑप्शन डी है कि किसी भी लोकेशन सरफेस में कोई भी जो मेटल होगा उसके साथ इसको कनेक्ट करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कि आपके जॉब के नियरेस्ट में जो भी पॉसिबल लोकेशन होगा उसके साथ में इसको कनेक्ट करना है। फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि सेफ्टी रिलीफ वॉल जो प्लग है वो रिक्वायर होता है फिलिंग द ब्लैंक्स इसके लिए, और वो भी गैस सिलेंडर में। तो उसके लिए ऑप्शन ए दिया गया है कि जब भी इन केस अगर ओवर प्रेशर अगर हो जाता है तो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए वो रिक्वायर होता है। ऑप्शन बी दिया गया है कि इन केस अगर सिलेंडर में अगर ओवर हीटिंग अगर हो जाता है तो उस गैस को जो है वहां पर रिलीज करने के लिए उसको जो है वहां पर वो रिक्वायर होता है। ऑप्शन सी दिया गया है कि बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी दिया गया है कि इसमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसको आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी।
और फिर उसके बाद का क्वेश्चन है कि वेल्डिंग जो प्रोसेसेस है उसमें कौन से जो फोलामिंग जो हजार्ड्स है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो उसके लिए ऑप्शन ए दिया गया है इंटेंस लाइट, ऑप्शन बी दिया गया है फ्लाइंग स्पार्क, ऑप्शन सी दिया गया है टॉक्सिक फ्यूम्स, और ऑप्शन डी दिया गया है ये सभी। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा हॉट वाटर सेफ्टी के एमसीक्यू टेस्ट के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।